किसान भाइयों सरसों की बुवाई के समय हमें कौन सा खाद देना चाहिए जिससे सरसों का उत्पादन अच्छा निकले आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही खास चीज़ आपको बताऊंगा अगर सरसों की बुवाई में उस खास चीज़ का आप प्रयोग करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा वीडियो को पूरा देखिए जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को अन्य किसानों तक भी शेयर कीजिए आज हम बात करेंगे सरसों में सल्फर के प्रयोग को लेकर किसान भाइयों सरसों की बुवाई के समय सल्फर का प्रयोग कर लेना चाहिए क्योंकि शुरुआत से ही अगर पौधे को सल्फर तत्व की पूर्ति हो जाएगी तो बाद में उसकी डेफिशेंसी नहीं होगी तिलहनी फसल होने के कारण सरसों में सल्फर के कई सारे फ़ायदे होते हैं सरसों की बुवाई के समय सल्फर का प्रयोग बहुत से किसान भाई नहीं करते हैं बुवाई के समय प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा लंबे समय तक मिलेगा खेत की तैयारी में अगर आप सिंगल सुपरफास्टफेड दे रहे हैं तो खेत में थोड़ी बहुत सल्फर तत्व की पूर्ति हो जाती है बाद में यूरिया के साथ आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप एस एस पी नहीं दे रहे हैं डी ए पी के साथ सरसों की बुवाई कर रहे हैं तो सल्फर बेंटोनाइट नब्बे प्रतिशत जो दाल के आकार का आता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग करने से आपको लंबे समय तक धीरे धीरे इसका रिज़ल्ट मिलता है क्योंकि यह दानेदार फॉर्म में होता है जिस कारण गलने में समय लेता है इसका रिजल्ट एकदम नहीं मिलता है लंबे समय तक और धीरे धीरे इसका रिजल्ट हमें मिलता है सरसों की बुवाई के समय सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो एक एकड़ में करीबन छः से आठ किलोग्राम प्रयोग कर सकते हैं डीएपी के साथ मिलाकर मशीन से भी बुवाई कर सकते हैं, डायरेक्ट खेत में भी छिटक सकते हैं। सल्फर नब्बे प्रतिशत का अगर आप प्रयोग करेंगे तो बाद में पौधे को सल्फ़र की कमी नहीं होगी किसान भाई बुवाई के समय सल्फर नहीं देते हैं हालांकि बुवाई में अगर सल्फर नहीं देंगे तो बाद में भी उसकी पूर्ति हो जाती है लेकिन जो सल्फर नब्बे प्रतिशत दानेदार आता है यह गलने में समय लेता है इसका रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है जिस कारण बुवाई में अगर आप प्रयोग करेंगे तो शुरुआत से ही पौधे में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा अगर बुवाई के बाद आप पहला दूसरा पानी लगाते समय डालेंगे तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट समय से ना मिले इसलिए मैं यही बता रहा हूँ कि बुवाई के समय ही सल्फर का प्रयोग सरसों में किसान भाई करें जिससे कि फ़ायदा मिलेगा खास करके सोयाबीन के खेत में बहुत से किसान भाई सरसों वगैरह लगाते हैं सोयाबीन भी तेलैनी फसल है सरसों भी तिलहनी फसल है जिस कारण पौधे को सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इसलिए किसान भाई बुवाई के समय सल्फर तत्व की पूर्ति खेत में कर सकते हैं जिससे पौधे में सल्फर की कमी नहीं होती है सल्फर एक प्रकार से पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है पौधे को फंगस से बचाता है दानों में तेल की मात्रा दाने के साइज आकार को बढ़ाता है कई फायदे करता है इसलिए किसान भाई सरसों में सल्फर का प्रयोग बुवाई के समय कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें या किसानों तक भी शेयर करें